हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि नेस्टेड इंटरफेस क्या होता है और जावा प्रोग्रामिंग में आप इसका यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि नेस्टेड इंटरफेस क्या होता है। जब आप इंटरफेस के इनसाइट कोई इंटरफेस क्रिएट करते हैं तो उसे नेस्टेड इंटरफेस हम कहते हैं। जावा प्रोग्रामिंग में इसका यूज़ आप किस तरीके से कर सकते हैं, आइए देखते हैं। बहुत आसान है। यहाँ पर मैं एक इंटरफेस बना रहा हूँ पर्सन नेम से, और इसके इनसाइट में एक और इंटरफेस बना रहा हूँ स्टूडेंट नेम से। इसके इनसाइट में एक मेथड डिक्लेयर कर रहा हूँ शो नेम से। अब ये जो क्लास है जिसके इनसाइड मेन मेथड है, इसमें मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ स्टूडेंट को। तो किस तरीके से कर सकते हैं, आपको यहाँ पर जो पर्सन है पर्सन इंटरफेस से कॉल करना पड़ेगा स्टूडेंट को। तो इस तरीके से आप जो नॉर्मल क्लास है उसमें स्टूडेंट नेम के इंटरफेस को क्या कर सकते हो, इनहेरिट कर सकते हो इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड की हेल्प से। अब जैसे ही आप इसे इम्प्लीमेंट करते हो यहाँ पर, तो इसके इनसाइड जो मेथड है शो, इसको विद पब्लिक आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। इस तरीके से, और यहाँ पर आप कोई मैसेज प्रिंट करवा कर देख सकते हो। तो मैं मैसेज प्रिंट करवाने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन स्टेटमेंट यूज़ करता हूँ, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मैसेज में नेस्टेड इंटरफेस टेस्टिंग। अब किस तरीके से इस शो नेम की मेथड को आप प्रिंट करवा सकते हो, तो बहुत आसान है। आपको यहाँ पर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाना है, क्योंकि इंटरफेस का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, तो आपको चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। और इस ऑब्जेक्ट को आपको जो स्टूडेंट नेम का इंटरफेस है उसके रेफरेंस में रखना है। तो किस तरीके से रख सकते हैं, आपको यहाँ पर्सन से स्टूडेंट को कॉल करना है और फिर आपको रेफरेंस बनाना है, यानी कि पर्सन नेम के इंटरफेस से आपको स्टूडेंट नेम के इंटरफेस को यहाँ कॉल करना है और ओबीजे नेम से आपको रेफरेंस बनाना है और उसमें असाइन कर देना है। बहुत आसान है। और इससे अब आपको कॉल करना है शो नेम की मेथड को इस तरीके से। अब जब आप रन करके चेक करेंगे तो आपका ये जो शो नेम का मेथड है ये कॉल हो जाएगा, और यहाँ पर ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट बन रहा है, बट ओवरराइडिंग का जो कॉन्सेप्ट है अब वो नेस्टेड इंटरफेस के हेल्प से बन रहा है। रन करके चेक करके बताते हैं आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको आउटपुट मिल चुका है नेस्टेड इंटरफेस टेस्टिंग। तो आज के इस लेक्चर में हमने बात किया नेस्टेड इंटरफेस के बारे में कि किस तरीके से आप नेस्टेड इंटरफेस बना सकते हैं और उसका यूज़ आप जावा प्रोग्रामिंग में कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।